डियर स्टूडेंट प्लस टू सी क्लास, आज मैं करवाने जा रही हूँ लेसन नंबर 13 इकोनॉमिक्स का, सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। इसमें मैं करवाने जा रही हूँ प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष कर जिस मनुष्य पर लगाया जाता है, कर का भार उसी मनुष्य पर पड़ता है जिस पर टैक्स लगा है, उसी मनुष्य पर ही उसका भार पड़ता है। एग्जाम्पल है आयकर। अप्रत्यक्ष कर एक मनुष्य पर लगाया जाता है, कर का भार किसी अन्य मनुष्य पर पड़ता है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति चीजों को बेचता है तो टैक्स जो है वो ग्राहकों को पे करना पड़ता है, तो वो आ गया सेल टैक्स। दूसरा आ गया प्रत्यक्ष कर की बदली नहीं की जाती, अप्रत्यक्ष कर की बदली की जाती है। ये प्रगतिशील होते हैं, आय बढ़ने के साथ ये बढ़ते हैं, और ये अनुपातिक होते हैं, आय अधिक हो जाए या कम हो जाए इसकी दर एक जैसी रहती है। इसका भार अमीर लोगों पर पड़ता है, इसका भार जो है गरीब लोगों पर पड़ता है। उदाहरण इसकी आय कर और संपर्क कर, उसकी एग्जाम्पल है बिक्री कर और उत्पादन कर। ये बेटे इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष कर कि अगर इकट्ठा कर दो तो डेफिनेशन बन गई, अप्रत्यक्ष कर को इकट्ठा कर दो तो ये उसका भी मीनिंग बन गया। तो ये था इन दोनों में अंतर, तो आप लोगों ने इसको करना है। थैंक यू।